हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डीबीजेसिक टैबलेट। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डीबीजेसिक टैबलेट के बारे में। तो जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे इस टैबलेट के वर्क के बारे में कि मेनली इस टैबलेट का क्या वर्क रहता है और ये किस तरह से हमारी बॉडी पर वर्क करेगी या करती है। और उसके बाद जानेंगे इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि मेनली इस टैबलेट का क्या यूज़ रहता है और ये किस तरह से हम इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, हम किस पेशेंट को इस टैबलेट को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या किस बीमारी में हम इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो आफ्टर यूजिंग जानेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर सिंपली भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी पर क्या क्या नुकसान पहुँचा सकती है। सो इन सब या हम कह सकते हैं पूरे शरीर के दर्द में दी जाने वाली टैबलेट, अगर आपके पूरी होल बॉडी में पूरी बॉडी में पेन हो रहा हो तो आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। सो इन सभी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो जैसे कि आपको बताया था कि हम बात करेंगे डीबीजेसिक टैबलेट के सबसे पहले वर्क के बारे में। तो डीबीजेसिक क्या होती है कि एक 50 mg और 500 mg टैबलेट होती है। ये दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में आती है जिसमें कि 50 mg में डिक्लोफेनाक 500 mg में पैरासीटामोल होता है। और ये जो मेडिसिन होती है ये वर्क करती है, ये उन सभी केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन के लिए, फीवर के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, रेडनेस के लिए और स्वेलिंग के लिए। यानी ये इसका जो मेनली वर्क रहता है ये उन सभी केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देती है जो कि कोज करते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं दर्द के लिए, बुखार के लिए, सूजन के लिए, लाली के लिए या स्वेलिंग के लिए। सो अब हम बात करते हैं डीबीजेसिक टैबलेट के यूजेस के बारे में कि डीबीजेसिक टैबलेट का क्या यूज हो सकता है, हम इसको किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, किस कंडीशन में, किस कंडीशन के पेशेंट को हम ये टैबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए नॉर्मली इस टैबलेट को, जो डीबीजेसिक टैबलेट होती है इसको सभी जानते हैं कि यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन रिलीफ। अगर आपको पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को यानी डीबीजेसिक टैबलेट को आप पेशेंट को दे सकते हैं, या आपके सेल्फ में खुद को दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को आप ले सकते हैं, या आपकी बॉडी पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट को ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर डिक्लोफेनाक और साथ ही साथ उसके पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में टैबलेट आती है। और अब हम बात करेंगे आफ्टर यूजिंग इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस टैबलेट का मेनली क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस टैबलेट को खाने के बाद में माइनर से केसेस में देखा गया है कि कोज नोजिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ क्या है कि वॉमिटिंग होने लगती है यानी उल्टी आने लगती हैं, स्टमक पेन होने लगता है यानी पेट दर्द होने लगता है, हार्ट वार्निंग हो सकती है और साथ ही साथ क्या है कि उसके डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी स्टमक पेन हो सकता है, हार्ट वार्निंग हो सकती है यानी कि सीने पे जलन भी हो सकती है, डायरिया बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है और साथ ही साथ क्या है कि इसकी नोजिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वंस अगेन।